त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन एक्सप्रेस में तब हड़कंप मच गया जब एक यात्री सीट से सांप निकल गया, जिसके बाद मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया गया। पश्चिम रेलवे के वसई स्टेशन पर लंबी दूरी की त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन एक्सप्रेस के कोच में सांप पाए जाने के बाद एक टिकट चेकर ने बहादुरी से सांप को पकड़ लिया और ट्रेन से खींच लिया। गुरुवार को वसई रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के बाद यात्रियों में हड़कंप के बीच ट्रेन के टिकट चेकर ने उस सांप को ट्रेन के कोच से बाहर निकाला। इस मुद्दे पर पश्चिम रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को त्रिवेंद्र निजामुद्दीन एक्सप्रेस के S5 कोच में सांप मिला। सांप ट्रेन में कैसे चढ़ा ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसे देखकर यात्री डर गए। उस समय ट्रेन का ऑनबोर्ड टिकट चेकर स्टेशन मास्टर के साथ दौड़ता आया। त्रिवेंद्र निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में सवार यात्रियों के बीच उस समय खलबली मच गई थी। बुधवार देर शाम कोच के अंदर एक सांप देखा गया। जब ट्रेन तिरूर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो सांप को देखा गया, लेकिन सांप का पता लगने की कई कोशिशों के बावजूद इसे बाहर नहीं निकाला जा सका और फिर ट्रेन यात्रियों के साथ आगे बढ़ गई। उसी सांप को मुंबई से सटे वसई स्टेशन पर पकड़ा गया। इसके बाद MH मीणा को भी इसकी सूचना दी गई। सर्प मित्र को भी थाने आने के लिए कहा गया। सर्प मित्र की टीम तुरंत पहुंचने पर टिकट चेकर सुकेश कुमार ने स्वेच्छा से सांप को ट्रेन से हटाने के लिए कहा। इस मुद्दे पर टिकट चेकर ने कहा कि मैंने अपने गांव में भी सांप को पकड़ने की हिम्मत दिखाई है और सांप को कभी कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद स्टेशन के अधिकारियों ने टिकट चेकर को सांप को पकड़ने की अनुमति दी। अधिकारी ने बताया कि घटना ने ट्रेन को 5 मिनट के लिए स्टेशन पर रोक कर रखा, जिसके बाद त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस को वसई स्टेशन से निजामुद्दीन स्टेशन की ओर रवाना किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।